नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज 11 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से दो बड़ी अपडेट आई हैं। पहली अपडेट जो एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती हुई थी पोस्ट कोड 762 उससे संबंधित आई है। हमने 3-4 दिन पहले आपको एक अपडेट दी थी कि 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है इसमें ज्वाइनिंग नहीं करी है। साथ में 33 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करके जो एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती थी उसमें वो जॉब छोड़ दी है। जिसमें अभी जो 47 कैंडिडेट हैं उनको फर्दर जो वेटिंग पैनल की रिकमेंडेशन है उसमें रखा गया है। तो जो भी 47 कैंडिडेट हैं वो अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं, साथ में उनके जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर शो किए गए हैं। यहाँ पर उनका जो रोल नंबर है वो भी वो देख सकते हैं कि कौन कौन से ये कैंडिडेट हैं। ये ज्वाइनिंग नहीं है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शिमला द्वारा जो है इन्फॉर्म किया गया था 4 मार्च 2022 को कि इतने कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, तो उसकी आगे जो फर्दर रिकमेंडेशन है वेटिंग पैनल की उसमें जो ये कैंडिडेट आगे रखे गए हैं। नेक्स्ट जो भी इनकी पॉसिबल होगी वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो पोस्ट कोड 839 से संबंधित है। ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से संबंधित रिजल्ट है। इसमें 156 पोस्टें थी। पहले भी इनका जो स्क्रीनिंग रिजल्ट वो डिक्लेयर हुआ था, बट अभी जो है ये कुछ रिवाइज हुआ है जिसकी अपडेट आई है। इसमें आप जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो अपना रोल नंबर दे सकते हैं। इसमें लगभग जो है 400 प्लस जो है कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर स्क्रीनिंग रिजल्ट में जो है नाम रोल नंबर है। इसमें लगभग 478 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे स्क्रीनिंग रिजल्ट में जिनका रोल नंबर दिया गया है। नेक्स्ट इनकी जो 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन होगी वो 21 मार्च 2022 को होगी। डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन से संबंधित अगर आपके कुछ भी डाउट हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आप सर्च करें, आपको वीडियो जो है हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बचन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।